Good morning, friends, and once again welcome from sharestradingschool.com. Today October 9th, 2019. Nifty में हमने जो बात करी थी कि हम लोग bearish है और एक recovery के बाद short sale करके हमने target नीचे के level पे दिया था 11,100 के आसपास. अगर हम उसको lower time frame में chart को देखते हैं hourly में, तो हमने जो बोला था उस हिसाब से उसको initial phase में gain हुआ था. और एक लेवल थी जो हमने डिसाइड करी थी जहां पे एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस लेवल तक मार्केट जाने की उम्मीद थी और वो था 11,250. लेकिन 11,250 के पहले उसने एक बेरिश फॉर्मेशन क्रिएट किया था और ऑलमोस्ट 11,233 का हाई क्रिएट करने के बाद ये साइडवेज रहा. और ये जो यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था अगेन सेम लेवल एट 11,225, that was a signal during market hours that market is trying to breach that 11,225 to 30 level and it is finding difficult. And since then, market started coming down to our target that was 11,100. However, thoda sa target pending raha hai. Lekin hum log filhal jo sideways market mein ye continue rahega. नीचे 11,100 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 11,250 से 11,300 का रेजिस्टेंस है. सो मार्केट इस फेज में से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है. सो 11,300 ये फर्स्ट 250 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, 11,300 ये दूसरा रेजिस्टेंस और 11,400 ये एक रेजिस्टेंस. ऐसे रेजिस्टेंस पार करते करते मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ प्लॉट करी है, ये ट्रेंड लाइन क्रूशियल ट्रेंड लाइन है. ये लाइन मार्केट को क्रॉस करनी होगी. मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ अगर रेड कलर से. सो इसको अगर आपको प्लॉट करना है तो सिंपल फॉर्मेशन है, आर्ली चार्ट में इसको ले ले और आर्ली चार्ट में ये जो सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई है वो है 23 सितंबर का 1 बजे का. उस हाई को लेके ये वाला जो हाईएस्ट क्लोज है 27 सितंबर का, उसको जोड़ के एक लाइन निकाली. ये ट्रेंड लाइन जब तक मार्केट ऊपर क्रॉस करेगा नहीं, हमें लॉन्ग करना रिस्की रहेगा. हावेवर इसके बीच में कंसोलिडेशन फेज लंबे समय तक चल सकता है. नीचे एक सपोर्ट है और वो है 10,997 यानी ऑलमोस्ट 11,000 का. ये 11,000 का जो सपोर्ट लेवल है ये क्रूशियल सपोर्ट है. सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 11,000 की सपोर्ट लेवल पे आ सकता है. उसके पहले प्राइस में वीकली चार्ट में हमें सपोर्ट जो दिख रहा है 11,100 का. सो हम अगर बात करें तो 11,100 और 11,000 ये नीचे की सपोर्ट की लेवल है. ऊपर 11,250, 11,300 और 11,400 ये रेजिस्टेंस है. सो मार्केट इस फेज में से जब तक नहीं निकलता हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देगा. काफी वोलेटाइल रहेगा, साइडवेज रहेगा, करेक्शंस एंड रिकवरी ये देखेगा. सो मेरे ख्याल से डिफेंसिव ट्रेडर इस फेज में निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहे, मार्केट को एक पैटर्न क्रिएट करने दे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या डेली चार्ट में, यानी आर्ली चार्ट में या डेली चार्ट में. फिलहाल मार्केट ट्रेंडलेस है सो हम इससे थोड़ा दूर रहेंगे. एक या दो दिन के लिए हमें मार्केट में फिलहाल पेशेंस दिखाने होंगे. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक.